हाइड्रोजन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन समझ में आ गया कि ये जो सॉल्यूशन है टोटल ये कितना है आपका 4.3 लीटर आया ना, और इसके अंदर है क्या CONO3 का होल ट्वाइस डॉट 6H2O, ये पूरा एक इसके अंदर सॉल्यूट है, ठीक है। और सॉल्यूट का वेट कितना है 30 ग्राम। कितना है सॉल्यूट का वेट 30 ग्राम। ये चीज तो समझ आई गई होगी, है ना। अब हमें निकालना क्या, हमें निकालना है मोलरिटी। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई क्या होता है वॉल्यूम ऑफ, किसका वॉल्यूम चाहिए सॉल्यूशन का, याद रखना किसका, सॉल्यूशन का मल्टीप्लाई क्या है। और अगर ये ml में हो तो 1000 का इनटू, और अगर लीटर में हो, किस में हो, लीटर में, तो कुछ नहीं करते, ये बात पता है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर, यहाँ देखो, अब सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, सॉल्यूट क्या है यहाँ पर, ये है ना CONO3 का होल ट्वाइस डॉट 6H2O। अब यहाँ देखो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास, गिवन मास कितना दे रखा है इसमें क्वेश्चन में 30 ग्राम। लेकिन अब नीचे जो चाहिए हमें वो चाहिए क्या, मॉलिक्यूलर मास। क्या चाहिए भाई, मॉलिक्यूलर मास। तो हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा इसका। इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा, देखो CO, ठीक है, ये क्या है CO, यहाँ छोटा होगा, क्या है ये कोबाल्ट, ये चीज समझ गए ना। और यहाँ देखो NO3 का होल ट्वाइस, इसका निकाल लेंगे, इसका बाद में लिख रहे हैं अभी। NO3 का होल ट्वाइस में ये देखो NO3 का कितना है N, अच्छा ये देखो NO3 का ट्वाइस का मतलब क्या समझ रहे हो आप, NO3 के ट्वाइस का मतलब क्या समझ रहे हो, कि दो एन है और ओ कितने हो गए यहाँ पर 6, दो एन है और ओ कितने हो गए 6, एन का कितना याद करा है हमने 14, तो एन का 2 का एन हो गया, तो एन का 2 इंटू क्या हो जाएगा 14, फिर ओ का कितना हो जाएगा इधर 6, ये वाले हो 6, तो यहाँ आ जाएगा 6 इंटू कितना 16, और वाटर का हमें पता है 18 होता है या नहीं, 16 और 2 18, और ये कितने हैं H2O का डायरेक्ट लिख दे रहे हैं पूरा, तो 6 इंटू 18। बात आती है कोबाल्ट की, कोबाल्ट का हमें पता नहीं है, तो कोबाल्ट का नहीं पता तो देखो हमें वैसे तो हम एनसीईआरटी से देख के बता सकते हैं ना, किससे देख के बता सकते हैं एनसीईआरटी से, लेकिन अगर आप चाहो वैसे देखो मैं आपको बताता हूं, अगर आप ये एग्जाम में आता है तो एग्जाम में इस कोबाल्ट का लिखा हुआ आएगा, समझ गए ना, ऐसा नहीं हो सकता कि कोबाल्ट का नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अब वैसे तो हमें भी नहीं याद है, तो हम एक काम करते हैं 7, 29, 2, 12, 21, 23 और 5, 28, तो ये आया 289, 0.0239, या फिर 7, 29, 2, 12, 21, 23 और 5, 28, तो ये आया 289 क्या ग्राम, ठीक है। चाहो तो यूनिट लिख लो, चाहो तो ग्राम लिख लो, ग्राम लिख लो। ये क्या आया भाई इसका, ये आया मोलर मास। मोलर मास क्यों जरूरत थी, क्योंकि हमें क्या निकालने थे, नंबर ऑफ मोल्स, हाँ, है ना। इसको एक बार ऐड करके देख लो, देखो हमारे ऊपर जिम्मेदारी है तो हमें ऐड करना पड़ेगा अच्छे से, ताकि जितने बच्चे सीखें कुछ गलत नहीं सीख लें, गलत आंसर नहीं निकालना है, ठीक है। आप कैलकुलेशन करते रहो साथ में। 289 सही है, तो 30 अपॉन कितना आया ये 289, इसको हम डिवाइड मार देते हैं 30 अपॉन 289 को, तो ये आएगा 0.103। तो ये क्या आ गए, ये आ गए आपके नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ वैल्यू पुट कर दो नंबर ऑफ मोल्स की, 0.103 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का 4.3 लीटर, हाँ या ना। अब इसको इससे डिवाइड मार दो, आपकी क्या आ जाएगी, मोलरिटी आएगी या नहीं, तो 0.103 डिवाइडेड बाई 4.3, तो आंसर चेक कर लो आप फटाफट से कि 0.0239, या फिर इसको आप 0.02, इस 39 को आप 40 लिख सकते हो, 4 मोल्स पर लीटर आ रहा होगा। चीज समझे यार, नहीं क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। बस इसमें एक नई चीज क्या थी कि कोबाल्ट का आपको नहीं पता था, तो आप इसको इंटरनेट से चेक कर सकते हो, अभी के अभी ऐसे क्वेश्चन थोड़ी छोड़ेंगे। देखो ऐसी चीजें सबके साथ होती हैं, मतलब कि अगर एक चीज नहीं पता तो यार इधर उधर से करना पड़ता है, समझ गए। ऐसा नहीं है कि बैठ गए कि नहीं कोबाल्ट का नहीं पता है अब तो नहीं करेंगे क्वेश्चन, ऐसा नहीं। प्रॉब्लम को खत्म मत करो, उसका सॉल्यूशन ढूंढो फिर खत्म करो, कि आप तो प्रॉब्लम ही हटा दो, है ना, ऐसा नहीं। चले हटाए, नेक्स्ट करें। अब इसका यही हमें मोलरिटी निकालनी है, मोलरिटी किसकी, अभी बी वाला पार्ट रह गया ना इसका। चलो बी पार्ट अच्छा है क्योंकि उसमें एक बढ़िया चीज सिखानी है मुझे, तो बी वाला पार्ट देखते हैं जल्दी से। इसका बी वाला पार्ट क्या है, 30 ml, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 30 ml ऑफ 0.5
कैपिटल एम, ये कैपिटल एम का मतलब यहाँ मोलरिटी है, क्या है ये मोलरिटी, ये कैपिटल एम का मतलब क्या है, मोलरिटी गिवन दे रखी है इसकी, ठीक है, मोलरिटी H2SO4 डाइल्यूटेड टू समझ रहा 500 ml, 500 ml, ये कितना है 30 ml। चलो इसमें एक चीज सीखो जल्दी से, पूरा ध्यान लगाना, अच्छा कंसेप्ट है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, समझना कंसेप्ट क्या है आपका। एक बात बताओ, जैसे एक कोई एक सॉल्यूशन है, ठीक है, इस सॉल्यूशन में ये कितना है, ये 30 ml का है, ये कितने ml का है, 30 ml का, और इस 30 ml में जो कंसेंट्रेशन है मोलरिटी, ये क्या है इसका वॉल्यूम, और मोलरिटी इसकी कितनी है इस टाइम पर, 0.5 m, हाया ना, समझ गए इतनी बात है नहीं। अब इसके अंदर इसको अगर 30 ml की जगह आप कितना कर दोगे इसे, और इसके अंदर वाटर बढ़ाते जाओ, क्या बढ़ाते जाओ, वाटर, और ये वाटर आपने 30 की जगह आप कितना कर दिया, 500 ml, मतलब इसके अंदर और पानी डाला तो उससे क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। एक क्वेश्चन बताओ क्या, जैसे अब तो एमसीक्यू भी आने लगे ना, एमसीक्यू के बारे में तो सोचना पड़ेगा। अगर वॉल्यूम इंक्रीज करते हो आप किसी भी चीज का, वॉल्यूम क्या करते हो इंक्रीज, तो मोलरिटी बढ़ जाएगी या घट जाएगी, पहले बताओ चेंज होगी या नहीं, चेंज होगी, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स एन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ये वाली चीज नीचे वाली चीज बढ़ती जाती है, 30 ml से कितनी हो गई 500 ml, तो ये जो मोलरिटी है, मोलरिटी ये वाली जो गिवन है, ये मोलरिटी ये बढ़ेगी या घटेगी, घटेगी, क्यों, क्योंकि पानी जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो मोलरिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना, इतनी चीज समझ रहे हो। तो यहाँ एक फॉर्मूला याद करना है आपको कि इनिशियली जैसे इसको आप V1 मान लो और इसकी मोलरिटी M1 मान लो, अब ये नया वॉल्यूम आया उसे V2 मान लो, और जो मोलरिटी पूछ रहा है वो हमें नहीं पता, मोलरिटी चेंज होगी ना, लेकिन कितनी होगी इसके लिए हमें नया फॉर्मूला याद करना है, क्या, यहाँ लिख लो M1V1 इक्वल्स टू M2V2, M1V1 इक्वल्स टू M2V2, ये फॉर्मूला तब यूज होता है जब वॉल्यूम वगैरह क्या कर दें हम, चेंज कर दें, जब एक चीज का कंसेंट्रेशन में वॉल्यूम क्या कर दें, चेंज कर दें, तो उसकी मोलरिटी भी क्या हो जाती है, चेंज। इनिशियली मोलरिटी M1 है और वॉल्यूम V1, अगर आप वॉल्यूम V2 कर दोगे तो मोलरिटी क्या हो जाएगी, M2 हो जाएगी, वॉल्यूम अगर आप बढ़ाओगे तो मोलरिटी कम हो जाएगी, वॉल्यूम अगर कम कर दोगे 30 से आप 3 ml कर देते तो मोलरिटी क्या हो जाती, बढ़ जाती, समझ गए यार। तो यार फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M1V1 इक्वल्स टू M2V2, तो M1 कितना है आपका, इनिशियली मोलरिटी कितनी है, 0.5 है ना, और V1 कितना है आपका, 30 ml, यही था। M2 कितना है आपका निकालना है, आप मोलरिटी निकालनी है, V2 आपको कितना कर दिया है, 500 ml, तो फॉर्मूला फॉर यूज करेंगे M1 into V1 बराबर M2 नई मोलरिटी into V2, ठीक है, तो M2 कितना आ जाएगा आपका, ये 500 का आएगा डिवाइड में, 0.5 into 30 डिवाइडेड बाई 500, जीरो से जीरो गया, और ये कितना आएगा आपका, 0.5 से पॉइंट हटेगा नीचे एक और जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है, तो फिर से एक और जीरो आ गया, तो ये आया ऊपर और 5 से ये गया 100 बार, और एक जो दो जीरो आएंगे तो 0.03 क्या आ जाएगी इसकी, मोलरिटी M2, चीज समझ गया या नहीं, मोलरिटी कितनी, 4 वाला है ना।